नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका गाड़ीवाड़ी.com के YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं, और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 15 उन कार्स की जो आने वाले 3 से 4 महीने के दौरान भारत में लॉन्च की जाएंगी। और दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछले महीने 2 विनर्स ने जीते हैं ये 2 गिफ्ट। सुरजीत मोंडल ने जीता है फरारी लिमिटेड एडिशन का ये स्केल मॉडल, और वहीं विनय बाली ने जीता है वेस्पा जीएस का स्केल मॉडल। और दोस्तों आप भी जीत सकते हैं इस तरह के गिफ्ट। आपको सिर्फ हमें सब्सक्राइब करना है, आपको अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है और कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्लीज़ दबा दीजिएगा। और दोस्तों अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले मारुति सुजुकी लेके आ रही है भारत के अंदर सियाज फेसलिफ्ट को। तो सियाज फेसलिफ्ट को भारत में बिल्कुल नए 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ में और 1.3 लीटर के डीजल इंजन के साथ में लॉन्च किया जाएगा। डीजल इंजन सेम वही है जो 90 पीएस की पावर और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क डिलीवर करता है। पेट्रोल इंजन बिल्कुल नया 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, और इसके अंदर अब स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी दिया जाएगा। ये पहली मारुति की कार होगी जिसके पेट्रोल वेरिएंट के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होगी। और दोस्तों सियाज के अंदर ड्यूल बैटरी सेटअप भी दिया गया है। कीमत सियाज फेसलिफ्ट की 15,000 से लेकर 35,000 तक बढ़ाई जा सकती है। और माइलेज ये गाड़ी मैनुअल पेट्रोल में 21.56 एमपीएल की, मैनुअल डीजल में 28 केएमपीएल की, और ऑटोमेटिक पेट्रोल में आपको 20.28 केएमपीएल की माइलेज देगी। बात करें अगली कार की तो ह्यूंडई लेके आ रहा है सेंट्रो को भारत में वापस। बिल्कुल नए अवतार में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा, और ये गाड़ी ह्यूंडई इओन को रिप्लेस करने वाली भारत के अंदर। कीमत न्यू सेंट्रो की 3.7 लाख से लेकर 4.7 लाख रुपीज के आसपास रखी जा सकती है। और इस गाड़ी के अंदर अब एएमटी ट्रांसमिशन भी दिया जाएगा, और इसको अक्टूबर के महीने में भारत में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों डिजाइन के लिहाज से ह्यूंडई की बाकी गाड़ियों से काफी आइडेंटिकल रहने वाली है, और एक काफी अच्छा पैकेज साबित हो सकती है उन कस्टमर्स के लिए जिनका बजट 5 लाख रुपए के आसपास है। और वहीं मारुति सुजुकी भी वैगन-r को बिल्कुल नए अवतार में लेके आ रहा है। हालांकि इसका डिजाइन पहले की तरह ही टॉलबॉय रखा जाएगा, बट इसमें काफी सारे विजुअल चेंजेस किए जाएंगे, और न्यू वैगन-r पहले से ज्यादा हल्की और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट रहने वाली है। दोस्तों कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं होगी, बट 10 से 15 हजार रुपए तक कीमत बढ़ाई जा सकती है न्यू वैगन-r की। और वहीं महिंद्रा भी एक बिल्कुल नई एमपीवी को भारत में लेके आ रहा है, महिंद्रा मराजो इसका नाम रखा गया है। और ये गाड़ी सीधे सीधे टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और टाटा की हेक्सा को टक्कर देगी। कीमत इस गाड़ी की 11 लाख से लेकर 16 लाख के आसपास रखी जा सकती है। फीचर्स और डिजाइन के मामले में काफी प्रीमियम रहने वाली है ये गाड़ी अपने कंपटीटर्स से। और मारुति सुजुकी भी अर्टिगा एमपी को बिल्कुल नए अवतार में भारत में लेके आ रहा है। पहले से ज्यादा बड़ी, ज्यादा स्टाइलिश रहने वाली है ये गाड़ी, और इस गाड़ी को भारत में अक्टूबर के आसपास लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन तो होगा ही, और साथ साथ इसके अंदर 1.5 लीटर का बिल्कुल नया 6 स्पीड डीजल इंजन भी दिया जाएगा। कीमत 7 लाख से लेकर 11 लाख के आसपास रखी जाएगी इस गाड़ी की, और ये भारत की मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट एमपीवी होगी। और अगले साल के मिड तक इसका स्पोर्ट्स अवतार भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है, जिसको हाल ही में इंडोनेशियन ऑटो एक्सपो के दौरान अनवील किया गया था। और वहीं फोर्ड भी 2 गाड़ियों को लेके आ रहा है, फेसलिफ्ट होंगी दोनों गाड़ियां। फोर्ड एस्पायर सेडान का फेसलिफ्ट और फोर्ड फिगो हैचबैक का फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च किया जाना है। अगले 2 महीने के दौरान इन दोनों गाड़ियों का लॉन्च होगा। 1.5 लीटर के डीजल, 1.5 लीटर के पेट्रोल के साथ साथ बिल्कुल नया 1.2 लीटर का ड्रैगन पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा। ये इंजन फोर्ड फ्री स्टाइल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी है और काफ़ी अच्छी पावर भी डिलीवर करता है ये इंजन। कीमत इन दोनों गाड़ियों की काफ़ी कम्पिटिटिव रखी जाएगी। फोर्ड फिगो हैचबैक की कीमत फोर्ड फ्री स्टाइल से कम रखी जाएगी भारत में, और वहीं फिगो एस्पायर की कीमत डिजायर से काफ़ी कम रखी जा सकती है। और नए फीचर्स और नई कीमतों के साथ में ये दोनों गाड़ियाँ काफ़ी अच्छा पैकेज साबित हो सकती हैं अपने अपने सेगमेंट से अंदर। और वहीं महिंद्रा भी सैंग्यून तिवोली को अपने लोगों के साथ में और कुछ विजुअल चेंजेस के साथ में लेके आ रहा है। नाम शायद इस गाड़ी का एक्सयूवी 300 रखा जा सकता है। इस कार का सब 4 मीटर वर्जन मारुति सुजुकी की विटारा ब्रिजा और फोर्ड इकोस्पोर्ट को टक्कर देगा, तो वहीं अबव 4 मीटर वर्जन ह्यूंडई की क्रेटा को टक्कर देगा, और उसको अगले साल की मिड तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों डैटसन भी गो प्लस एमपीवी और गो हैचबैक का फेसलिफ्ट वर्जन लेके आ रहा है। अगले 2 महीने के दौरान इन दोनों गाड़ियों का लॉन्च किया जाएगा भारत के अंदर। माइनर विजुअल चेंजेस मिलने वाले हैं इन दोनों गाड़ियों को, और इन दोनों गाड़ियों के अंदर शायद सीवीटी ट्रांसमिशन भी ऑफर किया जाए। फ्रंट में एलईडी डीआरएल्स के साथ साथ कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए जा सकते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर। और टाटा मोटर्स तिगोर जेटीपी और तियागो जेटीपी को लॉन्च करने वाला है भारत के अंदर 110 पीएस के पेट्रोल इंजन के साथ में। ये दोनों गाड़ियां बलिनो आरएस और पोलो जीटी टीएसआई को टक्कर देंगी। तियागो जेटीपी और तिगोर जेटीपी अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ियां रहने वाली हैं। कीमत काफी कम्पिटिटिव रखी जा सकती है, और सेफ्टी फीचर्स भी काफी सारे डाले जाएंगे इन दोनों गाड़ियों के अंदर। इन दोनों गाड़ियों का लॉन्च हमें नवंबर से पहले पहले भारत में होने की उम्मीद है। और होंडा भी न्यू सीआरवी को लॉन्च करने वाला है बहुत जल्द भारत के अंदर। 1.6 लीटर का डीजल इंजन दिया जाएगा अब इस गाड़ी के अंदर। ऑटो एक्सपो 2018 के दौरान इसको अनवील किया गया था, बट इसको लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर के आसपास भारत में। 1.6 लीटर का डीजल इंजन होगा,
कीमत इस गाड़ी की काफ़ी कंपिटिटिव रखी जाएगी। 23 से लेकर 27 लाख के बीच में इसकी कीमत रखी जा सकती है भारत में। और कंपस की सफलता के बाद जीप इंडिया भारत में ट्रेल हॉक वर्जन लेके आ सकता है कंपस का। दोस्तों ये गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देगी और काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी एडवेंचरस लुक्स के साथ में आएगी। और कंपस ट्रेल हॉक को सिर्फ 4x4 वर्जन में भारत में लॉन्च किया जाएगा और हो सकता है कि डीजल के अंदर भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस किया जाए ट्रेल हॉक के अंदर। और इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 700। महिंद्रा रेक्सटोन को अपने लोगों के साथ भारत में लॉन्च करने वाला है इस साल के अंत तक। और ये गाड़ी सीधे सीधे टोयोटा की फॉर्च्यूनर और फोर्ड के एंडेवर को टक्कर देगी। रेक्सटोन के मुकाबले इसका फ्रंट बम्पर में थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं, वहीं फीचर्स और इसका डिजाइन बिल्कुल रेक्सटोन वाला ही रखा जाएगा। और काफ़ी अच्छा पैकेज साबित हो सकती है महिंद्रा XUV 700 उन बायर्स के लिए जिनका बजट 30 लाख रुपए के आसपास है। दोस्तों ये थी वो 15 गाड़ियां जो अगले 2 से 3 महीने में भारत में लॉन्च की जाएंगी। और वहीं अगले साल की शुरुआत में भी काफ़ी नई गाड़ियां आने वाली हैं। मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा पेट्रोल को लॉन्च कर सकता है, स्विफ्ट स्पोर्ट्स को भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है, ह्यूंडई कोना इलेक्ट्रिक SUV को लेके आ रहा है, वहीं डैटसन गोक्रॉस SUV को लॉन्च करने वाला है, टाटा मोटर्स हैरियर SUV को लॉन्च करने वाला है, वहीं निसान किक्स SUV को भारत में लॉन्च कर सकता है। और दोस्तों उन सब गाड़ियों की डिटेल्स भी बहुत जल्द लेके आएंगे हम आपके लिए। दोस्तों अगर आपका ह्यूंडई वरना पेट्रोल ऑटोमेटिक की रिगार्डिंग कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपका होस्ट गौरव यादव इस वीडियो में आपसे विदा लेता है, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।